नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है धीरे धीरे अपने यूजी कोर्सेज के रिजल्ट को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। कल हमने देखा कि सबसे पहले जो है बीकॉम की कट ऑफ लिस्ट आई, उसके बाद आज जो है आपकी बीएससी बायो मैथ की, PA LLB की और बीवॉक का जो है यूजी कोर्सेज का बच्चे कट ऑफ लिस्ट जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पब्लिश कर दिया। ठीक है, अगर हमको कट ऑफ लिस्ट चेक करना हो तो कट ऑफ लिस्ट को चेक करने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे ई काउंसलिंग एयू। ई काउंसलिंग एयू क्लिक करेंगे बच्चे, और यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पे यूजी सेक्शन ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे पीजी सेक्शन ओपन होकर के आएगा। आपको यूजी का चेक करना है तो आप यूजी पे क्लिक करेंगे। यूजी पे क्लिक करेंगे बच्चे, अगर आपको कट ऑफ लिस्ट को चेक करना है अपनी, तो कट ऑफ लिस्ट को चेक करने के लिए आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है कट ऑफ ओपन होकर के आ जाएगी। देखिए किसकी किसकी आई है, बीएससी बायो की आई है, बीएससी मैथ की आई है, PA LLB की आई है, बीकॉम की कल ही आ चुकी थी और बीवॉक की आई है। मतलब आज चार कोर्सेज की आई है, बीएससी बायो मैथ की, PA LLB की और बीवॉक की। ठीक है, अब बीएससी बायो में अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो बीएससी बायो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जो है 594 और उसके ऊपर गई है। ठीक है, एसटी कट ऑफ 188 और उसके ऊपर गई है बच्चे। ठीक है, ये हो गई बीएससी बायो की कट ऑफ। ठीक है, आपको अपना नंबर कैसे ऐड करना है, कैसे आपका जो है कट ऑफ बनेगा, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, कि अगर आप बीएससी बायो या मैथ के लिए जाना चाहते हो तो टोटल 850 नंबर होता है, उसमें से आपको क्या होगा, एक जनरेटेड लैंग्वेज कंपलसरी रहेगा, इसके बाद दो डोमेन सब्जेक्ट लेते थे। ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरा जो है वीडियो बना करके आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है, तो यहाँ बीएससी बायो में कट ऑफ कितनी गई है, 594 और उसके ऊपर वाले बच्चे के लिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में एसटी कट ऑफ ये है। बीएससी मैथ के लिए बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 570 या 570 के ऊपर वाले सभी कैंडिडेट बच्चे। ठीक है, एसटी कट ऑफ 61 और उसके ऊपर के लिए है। ठीक है, बीएलबी ऑनर्स की बात करें तो बीएलबी ऑनर्स में जो है अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ बच्चे 560, 562 और उसके ऊपर। ठीक है, बीवोक की जो है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की है बच्चे, यहाँ पे ओबीसी की है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए सबको बुला दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ है। ठीक है, तो ये जो है आज, ठीक है, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएलएलबी और जो है बीवॉक का बच्चे जो है कट ऑफ पब्लिश हुआ। ठीक है, अब मेन बात ये है कि जिनका नंबर इस कट ऑफ के ऊपर है, मान लीजिए आप बीएससी बायो में आप अनरिजर्व कैटेगरी से है और आपका नंबर जो है 594 से ऊपर, तो आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जब आएंगे, ठीक है, ई काउंसलिंग गाइडलाइंस फॉर सीयूटी यूजी स्टूडेंट, तो यहाँ पे तीन स्टेप आपको दिखाई देंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 बच्चे। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इस पे क्लिक करके बच्चे सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, लॉग इन आई डी, ठीक है, यहाँ पे डाल करके बच्चे क्या करना है, अपना आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है बच्चे, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 से आपका पूरा काम जो है स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कैंडिडेट लॉगिन आईडी और पासवर्ड, पासवर्ड बच्चे आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, आपको पासवर्ड फॉर्म में डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मंथ और ईयर के फॉर्म। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है कितना, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 2005, तो कैसे डालेंगे, 01/08/2005, ऐसे आपको जो है अपना पासवर्ड डालना है। तो आपका आपका पासवर्ड क्या होगा बच्चे, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डाल करके यहाँ पे लॉग इन करेंगे बच्चे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद जो है यही से स्टेप नंबर 2 में क्या करने है, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, बनाया जो मैंने, ठीक है, जाकर के आप देख सकते हैं, चैनल पे वो अवेलेबल है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सभी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 3, जब स्टेप नंबर 2 में आप अपने लॉग इन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे बच्चे, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपको अपना फीस पेमेंट करना है। देखिए स्टेप नंबर 3 पे क्लिक करके जो है आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अपनी लॉग इन आई डी वही पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, सो डाल करके बच्चे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो है अपना, ठीक है, प्रोसीड करने के बाद जो है अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में डालना, देखिए डेट ऑफ बर्थ बताया किस किस फॉर्मेट में डालना है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक भी आपको डालना है, लेकिन ठीक है लॉग इन करते समय यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में जो है पासवर्ड डालना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको पासवर्ड डालना है, लॉग इन करते समय आपको कोई भी ऑब्लिक ऑब्लिक ये सब का साइन नहीं लगना, लेकिन फीस पेमेंट करते समय आपको इस फॉर्मेट में, तो दोनों चीज बताया है। ठीक है, कि लॉग इन करते समय, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए लॉग इन करते समय आपको इस फॉर्मेट में जो है डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, और फीस पेमेंट करते समय आपको पासवर्ड इस फॉर्मेट में डालना है। ठीक है, दोनों यहाँ चीज बताना है।
ये फीस पेमेंट करते समय आपको इस फॉर्मेट में जो है पासवर्ड को डालना है। लेकिन लॉगिन करते समय देखिए, लॉगिन करते समय ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए लॉगिन करते समय आपको पासवर्ड इस फॉर्मेट में जो है डाल करके यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये रहा पूरी जानकारी। ठीक है, बाकी इसके बाद क्या कर दीजिएगा, फीस पेमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि सर कब तक हमारे पास डेट है। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो आपके पास 29 अगस्त है। मतलब 29 अगस्त 2 बजे तक, 2 PM 29 अगस्त 2 बजे तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने। तो इस डेडलाइन को ध्यान से रख लीजिएगा। आज 25 तारीख है, अभी आपके पास जो है 29 तारीख तक का समय। तो 29 अगस्त 2 बजे तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन करके, वही 3 स्टेप जो मैंने बताया है, रजिस्ट्रेशन करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा और उसी दिन आपका वेरिफिकेशन होगा और 29 तारीख को शाम 5 बजे के पहले तक जो है आपको अपने फीस पेमेंट भी कर देने। तो अगर आपका नंबर ठीक है, इस जो कट ऑफ लिस्ट मैंने जो मैंने आपको कट ऑफ नंबर दिखाया है, ठीक है, अगर आपका मार्क्स इससे ऊपर है बच्चे, ठीक है, अगर आपका नंबर जो है जो कट ऑफ आई है उससे अगर ऊपर है तो आपको 3 चीजें करनी है। पहला क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा क्या करना है बच्चे, लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, सभी ओरिजिनल स्कैन्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस ये हो गया। और तीसरा प्रोसेस क्या है बच्चे, फीस पेमेंट है। ठीक है, तीनों में पासवर्ड का फॉर्मेट क्या है वहां पे लिखा गया, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ दूसरे वाले में कैसे फॉर्मेट में आपको पासवर्ड अप्लाई करना है, तीसरे वाले में कैसे फॉर्मेट अप्लाई करना है वहां पे लिखा गया, उस फॉर्मेट जो आपको पासवर्ड को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रहा पूरा जानकारी बच्चे। ठीक है, इसके अलावा अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है बच्चे, तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चे, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।